अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जुबाइज़ो व्यूवर्स। एक और बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जॉब्स का ऐलान किया गया है। इस वीडियो में आपसे इससे रिलेटेड तमाम डिटेल्स शेयर करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपने वीडियो को गौर से देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल जुबाइज़ो को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं जॉब से रिलेटेड वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। सबसे पहले हम आ जाएंगे गूगल पर। यहाँ पे कुछ इस तरह से टाइप करेंगे जुबाइज़ो। सर्च बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पहला लिंक जो होगा आपने इसे ओपन कर लेना है। तो ये जो वेबसाइट है आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये फर्स्ट लिंक जो आपको शो हो रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट पोस्ट आपको शो हो रही है, इस पर आपने क्लिक करना है तो जो पोस्ट है आपके सामने ओपन हो जाएगी। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको इसकी लास्ट डेट और अप्लाई कब इसका स्टार्ट होगा, अप्लाई प्रोसेस जो इसका स्टार्ट होगा वो 15 अगस्त से, कल नहीं परसों से स्टार्ट होगा, और 30 अगस्त जो है वो इसकी लास्ट डेट है। यहाँ पे इसका आपको नीचे पूरा एडवर्टाइजमेंट भी शो होगा। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बाकायदा हर एक चीज़ डिटेल से मेंशन की गई है। इसमें पहली जो जॉब की अगर बात करें तो वो सीनियर असिस्टेंट की है, ग्रेड 15 की ये जॉब है। बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए। इसके अलावा 18 से 28 साल आपको एज लिमिट दी गई है। इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर जितने भी पोस्ट मेंशन की गई हैं यहाँ से लेकर सीनियर से लेकर नायब कासिद तक, सब के लिए 5 साल की जो है वो जनरल एज रिलैक्सेशन दी गई है। अगर यहाँ पे मेंशन है 18 से 28 साल तो आप इसको कंसिडर करें 18 से लेकर 33 साल, ठीक है। तो आपने 33 साल, आपको जो ऊपर 5 साल है वो जनरल एज रिलैक्सेशन तमाम कैंडिडेट्स को दी गई है। इसकी जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो 2 पंजाब और सिंध से आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी इस्लामाबाद है। इसके अलावा नेक्स्ट जॉब है सीनियर टाइपिस्ट की। इसमें आपको इंटरमीडिएट बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी क्वालिफिकेशन। मिनिमम जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट या 80 to 80/40 वर्ड्स पर मिनट है। शॉर्ट हैंड आपको आना चाहिए। 18 से 25 साल मेंशन है तो आपने 18 से 30 साल इसको कंसिडर करना है। इसकी भी एक जॉब है पंजाब से, आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग इसकी इस्लामाबाद में होगी। डेटा एंट्री ऑपरेटर की ग्रेड 14 की ये जॉब है, ग्रेड 14 की ये जॉब है। बैचलर्स डिग्री आपको चाहिए, कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए, रेलिवेंट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 28 साल इसकी एज लिमिट है लेकिन आप इसको कंसिडर करें 18 से 33 साल। इसकी जो टोटल पोस्ट हैं वो आपके सामने यहाँ पे मेंशन है, 18 पोस्ट हैं। मेरिट पे पंजाब से सिंध, रूरल से सिंध, अर्बन से केपी से और बलूचिस्तान से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपाटा से भी अप्लाई कर सकते हैं इसकी, और इसके अलावा AJK से भी, मतलब आज़ाद और जम्मू कश्मीर से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद में इसकी पोस्टिंग की जाएगी। जूनियर असिस्टेंट की अगर बात करें तो इसमें भी इंटरमीडिएट आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन आपको कंप्यूटर में थोड़ा नो हाउ होना चाहिए। 18 से 25 साल तो 18 से मतलब 30 साल है जो आपकी है। एज लिमिट है 5 सीट्स हैं इसकी टोटल पंजाब और सिंध KP से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद में एज आपकी जो पोस्टिंग है इस्लामाबाद में की जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट सब असिस्टेंट की जॉब है, ग्रेड 9 की ये जॉब है। मैट्रिक आपको कम से कम चाहिए, आप मैट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए। मिनिमम जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर की नो हाउ होनी चाहिए। 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट है लेकिन आप 18 से 30 साल इसको कंसिडर करें। 19 टोटल इसकी पोस्ट हैं, मेरिट पे पंजाब पे, वुमन और माइनॉरिटी कोटा पे भी, सिंध रूरल और सिंध अर्बन से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। KP बलूचिस्तान और एक्सपाटा से भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग अगेन इसकी इस्लामाबाद में होगी। कुक की जॉब है, ग्रेड थ्री की ये जॉब है। मिडल आपके पास कम अज़ कम होना चाहिए और इसके अलावा 18 से 25 साल है तो 18 से 30 साल आप इसको कंसिडर करें। और लोकल बेसिस पर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नायब कासिद की जॉब है, ग्रेड 2 की ये जॉब है। प्राइमरी पास आपको कम से कम होना चाहिए, 18 से 30 साल, 25 मेंशन है, आपने 30 साल कंसिडर करनी है। 18 से 30 साल आपकी जो है एज लिमिट होनी चाहिए। 21 टोटल पोस्ट हैं इसकी और इसकी भी पोस्टिंग इस्लामाबाद में की जाएगी। इसके अलावा जितनी भी डिटेल्स हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, वो नीचे यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं। तो व्यूवर्स, इसके अलावा इसमें अप्लाई करने की अगर बात करें तो इसमें अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तो आपने इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको जो लिंक दिया गया है वेबसाइट के ऊपर क्लिक ऑनलाइन करके, क्लिक हेयर करके ऑनलाइन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो है वो आपने मैन्युअली भी इसको अप्लाई करना है, मतलब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने उसे अच्छे से फिल करना है और उसके बाद आपने उसको जो है पोस्ट कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको यहाँ पर, ये जो पूरा एडवर्टाइजमेंट है इसके नीचे आपको यहाँ पर भी एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाए और आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ से मिल जाएगा, आपने उसे अच्छे से फिल करना है, ध्यान से, कटिंग ओवर राइटिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी। उसके अलावा आप इस फॉर्म को यहाँ से एडवर्टाइजमेंट से यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं
और इस फॉर्म को अच्छे से फिल करने के बाद आप जो है इसको इस एड्रेस पर भेज देंगे, डिप्टी डायरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट 2 पीओ बॉक्स 1418 जीपी इस्लामाबाद, आपने इस एड्रेस पे इसको भेज देना है। इसके अलावा आप जो अपनी डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, आप जिस एनवेलप में भेजेंगे उस एनवेलप के जो टॉप राइट कॉर्नर है वहाँ पर आपने जो पोस्ट है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर अप्लाइंग फॉर सब असिस्टेंट, तो आपको वहाँ पर अगर आप अप्लाई करें सब असिस्टेंट के लिए तो आपने वहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे लिखना है, टॉप राइट कॉर्नर पे आपने लिखना है सब असिस्टेंट, के साथ उसका ग्रेड भी मेंशन करना है, जैसे कि यहाँ पर ग्रेड है 9वें ग्रेड की ये जॉब है। आपने इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद उनको इस एड्रेस के ऊपर जो है वो पोस्ट कर देना है। ये था इसका एप्लीकेशन फॉर्म, सारा अप्लाइंग जो प्रोसीजर था वो भी आपसे शेयर कर दिया गया है, इस जितनी भी डिटेल्स थी वो भी आपसे शेयर कर दी गई हैं। इसके अलावा भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं।